हेलो क्लास, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो प्राइम और कंपोजिट नंबर पर बेस्ड है। तो देखिए, प्राइम नंबर्स, अ काउंटिंग नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, या ये कह लीजिए वो नंबर जो खुद से और वन से डिविजिबल होता है, यानी कि जिस नंबर उस नंबर में वन से और वो खुद से डिवाइड होता है, वो नंबर आपका प्राइम नंबर होता है। जैसे आप मान के चलिए आपने टू लिया, अब टू के फैक्टर क्या क्या है, टू को आप वन से डिवाइड कर सकते हैं और टू को ही आप सिर्फ टू से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो टू को डिवाइड करे, तो टू हमारा प्राइम नंबर हुआ। टू के बाद हम थ्री पर आते हैं, हमने थ्री लिया, अब देखिए थ्री को आप वन से कर सकते हो, थ्री को थ्री से भी कर सकते हो, इसके बाद किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब आपने नेक्स्ट नंबर टू के बाद थ्री, थ्री के बाद आपने फोर लिया, अब फोर के फैक्टर्स क्या होंगे, फोर के फैक्टर वन, वन से डिवाइड हो सकता है, टू, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, टू के बाद थ्री, थ्री से डिवाइड नहीं होगा, थ्री के बाद फोर, तो फोर से भी डिवाइड हो गया। अब फोर के कितने फैक्टर्स हुए यहां, थ्री फैक्टर्स, वन, टू एंड फोर, तो फोर जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से, जो वन से और खुद से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब है आपका कंपोजिट नंबर। देखिए, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, अ काउंटिंग नंबर having more than two factors is called a composite number। देखिए, वो numbers जो one और खुद के अलावा भी किसी और number से भी divide हो जाए, या ये कह लीजिए जिनके two से ज्यादा factors होते हैं। जैसे अभी हमने four पढ़ा था, four के factors two से ज्यादा थे, three factors थे, one, two and four, तो four जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। अब देखिए आप सिक्स, हमने एग्जाम्पल के लिए सिक्स लिया, सिक्स का जो फैक्टर है वो वन भी है, टू भी है, थ्री भी है और सिक्स खुद भी है, इसके फोर फैक्टर हुए, तो सिक्स जो है वो है हमारा कंपोजिट नंबर, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब आप कह रहे होंगे, मैम ने टू से स्टार्ट किया, मैम ने वन क्यों नहीं लिया, वन, वन जो नंबर है वो ना तो आपका प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, वन को केवल वन ही डिवाइड कर सकता है, वन के और फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए वन प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं है। एंड टू, टू आपका ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका, टू, क्योंकि टू से स्टार्ट होता है, टू आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और टू आपका इवन नंबर भी है। ओके, तो इस तरह आपके वन से लेके हंड्रेड तक की जो नंबर्स होते हैं उसमें 25 नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज है, चलिए अब उसको करते हैं। देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 21, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, ये आपको फिल करने हैं। क्या है, देखिए आपका फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अभी आपने प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे, तो आप बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। अभी मैम ने बताया था
देखिए, टू से स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना। टू आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो यहां आ जाएगा आपका टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज। अभी आपको बताया था वो नंबर ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ऐसा कौन सा नंबर है? वो है वन। तो हमने यहां लिख दिया वन। अभी आपके बाकी के जो फिल द ब्लैंक्स है वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 40। अभी आपको बताया था वन से लेके 100 तक के बीच में आपके जो प्राइम नंबर्स है वो 25 होते हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 40 से कम जो प्राइम नंबर्स है वो सारे प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 40 आर। देखिए, टू से स्टार्ट करेंगे, टू देन थ्री, फोर आपका कंपोजिट नंबर है, फाइव सिक्स आपका कंपोजिट नंबर है, देन सेवन एट आपका कंपोजिट है, नाइन भी आपका कंपोजिट नंबर है, टेन भी आपका कंपोजिट नंबर है, इलेवन आपका प्राइम नंबर है, देन थर्टीन। अब थर्टीन के बाद 14, 15 एंड 16 ये आपके प्राइम नंबर है, यहां आ जाएगा 17। 18 आपका कंपोजिट नंबर है, 19, देन 19 के बाद 20, 21, 22 ये आपके कंपोजिट नंबर है, यहां आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे आपके कंपोजिट नंबर है। तो अब आएगा 29, देन 30 आपका कंपोजिट नंबर है, तो अब आएगा 31, देन 32, 33, 34, 35, 36 ये आपके कंपोजिट नंबर है, 36 के बाद 37 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, 38 भी आपका कंपोजिट है, 39 भी आपका कंपोजिट है, कंपोजिट, और 40 तो आपका कंपोजिट है ही। तो 40 से कम जो आपके प्राइम नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ओके, तो इसी तरह आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पर आपको 40 एंड 80 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में 80 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं, एंड राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60। और क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो 40 और 60 के बीच में आते हैं। सबसे पहले आप प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, देन 1 to 100 देखिए आपके बुक में भी दिया है कौन कौन से 1 to 100 प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन से कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो ये भी लिखेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।